राजकीय विद्यालय के छात्रों ने किया हंगामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति द्वारा संचालित विद्यालय का हाल बुरा। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने खाना परोसने वाले ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीएम से खराब खाना और पानी मिलाकर दूध देने की शिकायत की और स्कूल में खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदार की दबंगई की व्यथा डीएम को सुनाई। स्कूल परिसर में गंदगी रहने और शिकायत करने पर स्कूल से निकलवाने की धमकी ठेकेदार द्वारा दी जाती है। जनपद संभल की संभल तहसील के पम्बासा विकास खंड के गाँव सिहावली में संचालित स्कूल समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति पर संचालित है, जिसमें सैकड़ों बच्चे आवास में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल के छात्रों के खाने की जिम्मेदारी एक ठेकेदार के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा स्कूल के लिए भारी भरकम बजट जारी किया जाता है, लेकिन ठेकेदार द्वारा खाना ठीक से न देकर दूध में पानी मिलाकर दिया जाता है और अधिकतर चावल खाने को दिए जाते हैं। परिसर में गंदगी पसरी पड़ी है, जिससे मच्छर होने से बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ठेकेदार की दबंगई की शिकायत लेकर दर्जनों छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा काटा और डीएम संजीव रंजन से शिकायत की, जिस पर डीएम ने तत्काल समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम को फटकार लगाते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए और संबल तहसील के आईएएस ट्रेनी एसडीएम को तत्काल मौके पर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। हम वो सरकारी स्कूल है, जो हमारा खाना है वो सरकार द्वारा, वो हमें खराब नहीं हो पता, खराब खाना मिलता है हमें और ठेकेदार के द्वारा जो हमारे पे व्यवहार किया जाता है वो बहुत गलत किया जाता है। अच्छा। खाना ऐसा मिलता है कि जो देख के भी नहीं, देख के भी बुरा लगता है, देखने में भी खाने की तो बात दूर है। आप लोगों से शिकायत नहीं की? शिकायत की है हमने, हम शिकायत करने की कोशिश करते हैं, ठेकेदार के खिलाफ बोलते हैं तो वो प्रिंसिपल सर से हमें स्कूल से निकलवाने की बात करा देता है। हम भेज देंगे, कई बार हो चुका है, ऐसा हो चुका है कि पिछली बार हमने आवाज उठाई थी तो 6-7 बच्चे हमारे साथ के रेस्टिकेट कर देते, घर भेज दिए थे। जो आवासीय समाज कल्याण द्वारा स्कूल संचालित है उसके बच्चे आए हैं, उन्होंने डीएम साहब से शिकायत की है खाने की व्यवस्था को लेकर, गंदगी को लेकर के, ये क्या मामला है? मामला ये है, अभी आज सुबह संज्ञान में आया है कि बच्चों ने ये शिकायत की है कि उनको जो उनको खाना उपलब्ध कराया जाता है वो स्तरहीन है, अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है और साथ में कुछ अव्यवस्था साफ सफाई को लेकर भी बच्चों ने कहा है। मामला संज्ञान में है, इसका मैं अभी जांच करने जा रहा हूं और देखूंगा, और गलती सही पाई जाती है, आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो विद्यालय प्रबंधन का हो अथवा या बाहर का या ठेकेदार हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। टीम थाना टीम गठित की है, कौन कौन टीम है? वो उस टीम का मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी डीएम साहब गठित करेंगे, उसके बाद जब संज्ञान में आएगा तो फिर बताएंगे। जैसा कि छात्रों ने डीएम साहब से आरोप लगाया है कि ठेकेदार धमकी देता है कि अगर तुम शिकायत करोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे, तब ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो ठेकेदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।